यूं यूं करने लगी। मैं डर गया और खौफ से मेरी आंख खुल गई। और जब आंख खुली तो देखता क्या हूं कि मंजीत ही बैठे गायब हो गया। लेकिन मेरा बेटा मंजीत कहां चला गया? लगता है मेरा बेटा अपनी पत्नी के गम में मेरा घर छोड़ करके चला गया। लेकिन वो कहां जाएगा? जाएगा बच्चा बाबूजी विशालत में कहां जाएगा वो? तू नौजवान अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तू दौड़ करके जा और उसे पकड़ करके ले आ, मैं समझाऊंगा, नहीं तो पागल हो जाएगा तुम्हारा बच्चा। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ और भैया को खोज कर मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। सावित्री तुम मेरे पास रहो और इसको जाने दो। और खबरदार खेला नहीं आंख खोल पे। खबरदार हिलना नहीं आंख खोल पहचान, और राता डाकू आ गया तेरे महल दर। कैसा भैया? परेशान न कर, हम खुद ही परेशान है। लुटाई का करे सारे घर लूले गौर ठाकुराइन मेरी तरफ की दिए गौर मालो चरला कर सारा हाजिर करो। इस हवेली की जालिम बैठ कर है तू बहु के सारे जेवर खातिर करो। इस हवेली की जालिम सितम कर है तू बहु के शौर्य जेवर मुखाती करो। और साथियों ये वो नागन है जिसे जसली उठकर पानी ना पाए। नागन नहीं हुआ समाज में बोला है जान लिया बताए दे। देखा भैया हर तो का सबका मारे पीछे जरूरत नहीं ना। अरे हे राणा जरा अपनी बीवी को देख दे।
पुराना बिल्कुल ना देखिए, पहले देखने पे हम नहीं देखो। दौलत कहाँ है? जेवर तो हमका चाहिए। अगर जेवर नहीं ना भैया, जेवर हमारे पता हो रहे थे सब भाग के कर लड़कर साथे। अगर जेवर हुआ तो हम दे दे भैया। अगर जान दर्द है तो सारी दौलत लाकर हाजिर कर, गोली मार दूंगा। गोली से चलाना, काम चलाए तेरा छोकरा। मैं काम का शौकीन नहीं हूँ, याद रख। देखो जेवरात तो नहीं है लेकिन जो कुछ भी है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अब मेरी माँ पे जोर मराई करना। डाल दूंगा नाल और भर दूंगा बारूद, इतना बड़ा जख्म बना दूंगा ये तेरा लाडला, तेरे जख्म को देखकर ये कोसों दूर भागेगा। याद रख, अगर दौलत ना मिली वो गोली नहीं चलाना, मैं ला रहा हूं लेकिन गोली नहीं चला रहा। रात हम मारत पीता था ना, गोग मने जान गए ना तन, एक और जरी जान पवल नंबर दान का। हाँ, तेरे खुदे जाओ। दूध जैसे नाकिन। वहीं तरह के लोग ने 12 साल के रहे तब इनसे मारत रहे तब उन चुटकी नहीं पाई। गोली नहीं चला भैया, गोली नहीं चला, जेवर लेके आवा मारना। ये मोहल्ला को दुखित नहीं रखती, इसके रहने से मोहल्ला खुश रहता है, आज आज इसके मरने से मोहल्ले में गम फैलेगा। साथियों, ये साले बाप बेटी ये भजन गा रहे हैं या इसके पैरों को दबा रहे हैं, ये रोना धोना बंद नहीं करेंगे। इसे इस नागन की लाश को उठाओ और हवेली के बाहर फेंक दो, इसकी लाश को दे दे भैया, बर्बाद मत कर, तुम्हें नोच नोच कर और हे राणा, खेल तो अब शुरू हुआ है, एक लाश पर इतना घबरा गया, अभी तो इस हवेली के अंदर सैकड़ों लाश देखेगा, सैकड़ों लाश। ये तुमने क्या किया? अच्छा जो कुछ था मैंने तुम्हें दे दिया, फिर मेरी माँ को क्यों मिटा दिया? आखिर हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है रका? और मेरी दुश्मनी क्या है रका मन तुम
ये दुश्मनी क्या हैरा का बताओ और मेरी छोटी दुनिया नहीं जानी जाओ लिख दो हवेली अगर चाहो राका लिख दूं हवेली अगर चाहो राका और तेरे हाथ छोड़ूं मुझे ना तुमका और जरा जरा याद कर पां पी तू मुझे जरा याद कर पापी तू खड़ी हो जरा याद कर पापी तू खड़ी हो और मिटाया था गोली से किसी छो करी किसी छो करी को किसी छो करी को तुझे जिंदा दुनिया मैं छोड़ू ना काफी तुझे जिंदा दुनिया मैं छोड़ू ना काफी और भुला दूंगा तेरी सभी है कभी है कभी को भूला तुम्हारा तेरी कभी है तेरा कहा वाकई में मैं खोनी पापी लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ मुझ पर रहम कर दो राका मेरी गलतियों को क्षमा कर दो नवराज रहम तीर में है तलवार की धार में है लेकिन राखा से अंदर तेरे लिए कोई रहम नहीं हाँ एक मौका दे सकता हूं अगर हवेली से भाग कर अपनी जान बचाना चाहता है तो बचा ले शर्त ये होगी कि भागने में तू सफल हो गया तो समझ ले तेरी जान बच गई और ना भाग सका तो राका की बंदूक की गोली का निशाना बनेगा बोल क्या फैसला करता है मुझे बचा लो पिताजी नहीं बेटा हम लोग एक मछली की तरह इसके जाल में फंस चुके हैं ये रॉबर ऐसे ही होते वीक टाइप के होते हैं तेरी माँ को मार दिया तेरे को मारेगा और मेरी को भी मारेगा ये किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा क्योंकि हम नियत हैं कुछ नहीं कर सकते हैं तू अपनी जान बचा और मैं इसको देखता हूँ लेकिन आप तू जा ये नागराज भाग रहा है जाओ नागराज के दोनों हाथ काट कर ए, मेरे हाथ जाओ मेरे हाथ काट दो घबराओ नहीं थको देखते जाओ
बचाओ पिताजी। अरे बच्चा अरे बचाओ पूरे बच्चा घबरा जाएंगे बाबू जी। इधर से ये तेरे बेटे के भुजा का लहू है। तेरे बेटे के दोनों हाथ नापाक थे, गरीबों की तरफ बढ़ती थी, बहन बेटियों की तरफ बढ़ती थी, इसे तेरे बेटे के दोनों हाथ काट कर फेंक दिए हैं। आज के तेरा बेटा अपाहिज बन गया। क्या बन गया? अपाहिज। आज के बाद ना तो अपने हाथ से एक टुकड़ा रोटी अपनी मुख के अंदर डाल सकता है, ना पानी पी सकता है, ना किसी के सामने हाथ फैला कर भीख मांग सकता है, क्योंकि उसे पूरी तरह अपाहिज बना दिया। अब वो अपाहिज की जिंदगी जिएगा। और हे ठाकुर, घबरा नहीं, खेल अब शुरू हुआ है, देखते जाओ ठाकुर, देखते जाओ। तो धारण देकर राणा सुनो मेरी बात को, ध्यान देकर राणा सुनो मेरी बात को। तेरे चांदी के राजा महल आ गया, छोटा बेटा मंजी तेरा है वो कहा, मारने सबको राता महिला। मंजी तेरा है वो कहा, मारने सबको राता महिला आ गया। कि तेरा छोटा बेटा मंजीत कहाँ है? तेरे बड़े बेटे के हाथ काटे हैं, तेरे छोटे बेटे के दोनों पैर काटूंगा। और तभी तो आत्मा को शांति मिलेगी। धोखे बाज मेरी रिवाल्वर छीन करके अच्छी का बच्चा मगर की भाषा बोल रहा है। अगर रिवाल्वर होती तो मैं बताता कि रिवाल्वर कैसे चलाई जाती है। अरे मेरे सामने तूने मेरी पत्नी को शूट कर दिया, मेरे जवान बेटे के हाथों को काट करके जानवर बना दिया। मैं तो नहीं जानता कि मेरा छोटा बेटा मेरे को छोड़ करके कहाँ चला गया। काश मैं जानता भी होता तो तेरे को नहीं बताता, क्या करेगा? देखो ठाकुर, क्या करेगा तू? अगर छोटे बेटे का पता ना बताया तो याद रखो, क्या करेगा? इतनी गोली मारूंगा कि सोलापुर गांव के लोग तेरे जिस्म को पहचानने से इनकार कर देंगे। वो ये नहीं समझ पाएंगे कि वही जमींदार राणा है या कि दूसरा है। अरे नादान, मौत का खौफ उन लोगों के अंदर होता है जिनके अंदर जीने की तमन्ना होती है। तूने तो मेरे सामने मेरा परिवार ही खलास कर दिया। अब जानता हूँ, नहीं बताऊंगा क्या करेगा तू। और क्या करेगा? जी तो चाहता है इस हवेली को बम से उड़ा दूं, लेकिन नहीं, यहाँ की
पक्षियां भी मर जाएंगी, इसलिए हवेली को तेरे हवेली के कोठे पर जो कबूतर अपना घोंसला बना रखा है बेचारे उनकी जान चली जाएगी, क्योंकि तेरी बहुत लंबी हवेली है, इस हवेली को बम से उड़ा देता। लेकिन नहीं, याद रखो मंजीत का पता बताओ कि वो कहाँ है। जानता हूँ, नहीं बताऊंगा, बोल क्या करेगा। अरे मानने वाले सुन मेरी वाली, मिटा सकता नारायण की जी। तुम्हारी आवाज कहां से आ रही है? हरी रूह है एक पीछे तोड़ कर, हरी रूह है एक पीछे तोड़ कर, अरे जमींदार रहता मेरी तो ये है शैतानी और फूटनी। इस हवेली की रखवाली कर रही है, हवेली के अंदर पहरेदारी कर रही है शैतानी। कान खोल कर सो, राणा को छोड़ दूंगा, इसकी जान को बख्श दूंगा, लेकिन राणा से बोल दे कि अपने छोटे बेटे का पता बताए, और जब तक इसके छोटे बेटे मंजीत ये किस्म के चार टुकड़े नहीं करूंगा, ये राखा पीहर नहीं जाएगा। तो क्या मारेगा, क्या औकात है तू मारे का? ये तुम्हारी बुलंद आवाज और ये खतरनाक चेहरा तो देख करके मेरा कलेजा कांप रहा है। कौन हो जो आज ऐसे जालिम से एक पूरे जमींदार की जान को बचा लिया? ऐसे ही शक्ल तो मैंने ख्वाब में देखा था, कहीं तू वही तो नहीं है? अच्छा कौन है तू, कौन है? घबरा वो बाबू, बहू तुम्हारी, न घबरा वो बाबू, बहू तुम्हारी, न घबरा वो बाबू, बहू तुम्हारी, न घबरा वो Yeah।
तो मैं क्या देख रहा हूँ? आखिर तुझे तो बताया गया है कि तू किसी दूसरे लड़के के साथ सारी जेवरों को लेकर के चली गई। ये सब कैसे घटना घटी? ये सब कैसा मैटर है बाबूजी? क्या एक बार आप अपनी बिटिया को अपने गले से नहीं लगाओगे? अरे बच्चा, ये क्या बोल रही तू? अरे तू मेरी गुड़िया है रे, आ आ मेरी बिटिया। मत घबराइए बाबूजी, मैं अभी इसे तोड़ देती हूँ। फर्श से टकरा करके मेरा सर फट गया बिटिया, मैं जी नहीं पाऊंगा। अच्छी जो तू प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने खड़ी है तो मेरी लाभ में क्यों नहीं आ रही है? कम से कम लास्ट समय एक बार तो मेरे तुम लाभ में आ जा। कॉलेज भी जाना है और मुझे लगता है आदमी से लिए मुझसे पहले चली गई और मुझे लेट हो रहा है, मैं कॉलेज चलती हूँ।